तो ये है आपका बोया का लवलियर माइक्रोफोन। तो इसको अभी करते हैं अनबॉक्सिंग। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आकाश प्ले। तो दोस्तों, आज हम इस बोया माइक को अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो आप अगर प्रोफेशनल वीडियो शूट करते हैं या यूट्यूब की वीडियो शूट करते हैं या ब्लॉग वीडियो शूट करते हैं तो ये माइक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट कर हम इस माइक को अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है आपका बोया का लवलियर माइक्रोफोन, बोया का BY M1। अगर आप पता करना चाहते हैं कि आपका बोया का माइक असली है या नकली, तो आप ये जो स्टिकर दिया गया है इसको आप उठा के पीछे एक QR कोड है, इसको आपके मोबाइल में स्कैनर में स्कैन करके ये जो सिक्योरिटी कोड है इसको आप टाइप करके आप देख सकते हैं कि आपका जो बोया का प्रोडक्ट है ये असली है या नकली है। तो इसको अभी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो इसके अंदर एक बोया का स्टिकर दिया गया है और कुछ प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी है, बुक जैसे कुछ दिया गया है और ये वारंटी कार्ड और एक सिलिक का जेल दिया गया है, प्रोडक्ट खराब नहीं होने के लिए दिया जाता है और ये बोया का सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है। और कुछ नहीं है। और इसमें एक बोया का लेदर का पॉकेट मिलता है, इसके अंदर आप रख सकते हैं। और इसमें दिया गया है एक क्लिप दिया गया है, एक लैपेल क्लिप है, इसको आप शर्ट या जो बनियन आप पहनते हैं उसके कॉलर में आप लगा सकते हैं। और इसके अंदर एक सेल दिया गया है, LR44 की बैटरी दिया गया है, सेल दिया गया है, इसको आप साइड में रखते हैं। और क्या दिया गया है, और एक एडाप्टर दिया गया है, 1/4 की एक एडाप्टर दिया गया है और कुछ नहीं है। और उसके बाद आपको बोया का लवलियर माइक दिया गया और ये एक वाइंड कैंसलेशन है, नॉइज कैंसलेशन। और ये है कुछ नहीं, और ये है बोया का आपका लवलियर माइक। और ये जो आपका जो माइक है इसके ऊपर ये वाइंड कैंसलेशन लगेगा, तो इसको आप लगा दिए। और आपको एक 6 मीटर का एक्सटेंशन वायर दिया जाता है। अगर आप कैमरा को बहुत दूर रखते हैं और आप वीडियो शूट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बोया का एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, एक्सटेंशन वायर दिया जाता है 6 मीटर का, बहुत ही लंबा। और ये जो आपका कंडीशनर दिया जाता है इसको आप ओपन करके जो सेल दिया गया है इसको आप लगाएंगे। इस तरह आप ध्यान से लगाएंगे। ये ज़रूरत पड़ती है आप अगर DSLR में या कैमरा में यूज करते हैं तो, आप अगर स्मार्टफोन में यूज करते हैं तो इस सेल को कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर कैमरा या DSLR में वीडियो शूट करते हैं तो आप ऊपर कर लेंगे, आप अगर स्मार्टफोन में वीडियो शूट करते हैं तो आप नीचे कर लेंगे, इसको आप नीचे कर लेंगे। स्मार्टफोन में सेल की कोई ज़रूरत नहीं है, सेल को आप निकल के भी रख सकते हैं। और ये एक लॉक दिया गया है, इसको आप बेल्ट में आप फंसा के रख सकते हैं। और उसके बाद ये जो क्लिप है ये जो माइक के पास लगा देते हैं, ये लगा दिया हम जो शर्ट या बनियन के कलर में इसको फंसा के रख सकते हैं, उसके बाद आप वीडियो शूट कर सकते हैं। और ये जो पिन है इसको आप जो स्मार्टफोन में ईयरफोन का जो 3.5 mm का जो जैक होता है उसमें आप इसको डाल सकते हैं, इस पिन को, उसके बाद आप वीडियो शूट कर सकते हैं।
ये मैं अमेजन से परचेज किया था 800 रुपया का। तो आपको परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके परचेज कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको कनेक्ट करके देखता हूँ इसका जो साउंड क्वालिटी है कैसे निकलता है। तो दोस्तों अभी मैं अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ, बस ये पिन लगाना बाकी है, ये पिन नहीं लगाया हूँ। तो अभी आपको मेरा आवाज़ कैसे सुनाई दे रहा है और पिन लगाने के बाद आपको मेरी आवाज़ कैसे सुना देगा आप देखिएगा। देखिए अभी मैं पिन लगा दिया हूँ, अभी आपको मेरा आवाज़ कैसे सुना दे रहा है, देखिए जमीन आसमान का फर्क होगा। पिन लगाने के पहले कैसे सुनाई दे रहा था और पिन लगाने के बाद आपको कैसे सुनाई दे रहा है, काफ़ी अंतर होगा दोनों में। तो ये है बोया माइक का कमाल। तो आपको अगर पसंद आए या आप परचेस करना चाहते हो तो आप अमेजन में जाके परचेस कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और इस माइक की भी मैं माइक टेस्टिंग भी करके आपको दिखाऊंगा इंडोर या आउटडोर में, तो इस वीडियो में मैं नहीं कर पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं अगला वीडियो में आपको इस माइक की माइक टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा कि ये माइक कैसे काम करता है, नॉइज कैंसिलेशन होता है कि नहीं होता है। तो इस माइक को आप कहीं पर भी शूटिंग कर सकते हो, वीडियो अगर आप शूटिंग करते हो या यूट्यूब की वीडियो शूटिंग करते हो, इसका जो वायर होता है बहुत लंबा होता है, तो कहीं पर भी आप यूट्यूब की वीडियो शूट कर सकते हैं। आप अगर मार्केट में शूटिंग करते हो तो आप मार्केट पे भी शूटिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग वीडियो भी आप शूटिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर यूट्यूब और इस माइक को यूज करते हैं, 100 में से 98% लोग यूट्यूब और इस माइक को, इस बोया माइक को यूज करते हैं, बोया का M1 माइक को यूज करते हैं। तो बहुत ही अच्छा माइक है ये, सब यूट्यूबर किया, मैंने भी यूज किया हूँ क्या कर रहा हूँ अभी, तो आपको भी करना चाहिए। बहुत ही अच्छा माइक है, वाइंड कैंसिलेशन भी बहुत ही अच्छा है, इसका जो वाइंड कैंसिलेशन जो दिया गया है वो थोड़ी नॉइज कैंसिल करता है। आप अगर रूम में फैन चला के वीडियो बनाते हैं तो ये कैंसिल इतना भी कैंसिल नहीं कर पाता है, थोड़ा थोड़ा कैंसिलेशन करता है, नॉइज कैंसिलेशन। मैं दूसरे वीडियो में आपको इंडोर आउटडोर में या फैन चला के आपको नॉइज कैंसिलेशन कैसे करता है मैं दिखा दूंगा आपको। तो गाइज इस वीडियो पे बस इतना ही, तो आपको अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करके ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा, इसके बाद मैं नॉइज कैंसिलेशन के ऊपर वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आपको उस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। तो आप मुझको इंस्टाग्राम में या ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ।